सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडर रोड, छत्तीसगढ़ से। जब देश में मतलब जब भारत देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, तो उसको आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम में कई माँ भारती के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया और देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने क्रांति का सहारा लिया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अहिंसा के बल पर, ठीक है, देश में स्वतंत्रता संग्राम को छेड़ा। तो जिनको हम जानते हैं, जैसे हम बहुत सारे सेनानायकों को जानते हैं, वीर जो स्वतंत्रता सेनानी उनको जानते हैं, चाहे वो भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, तात्या टोपे हों, गांधी हों, ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी, लेकिन उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। खासकर जो 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें बहुत सारे वीर सपूतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने देश में एक सारे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया, जो जिसका प्रभाव बाद में हुआ जब 1947 में 15 अगस्त में जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हैं जो मतलब जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। ऐसे ही एक वीर सपूत हैं जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कक्षा 7 की जो बसंत है उसमें पाठ 17 में वीर कुंवर सिंह नाम का एक पाठ लगा हुआ है। और ये एक जीवनी है, गद्य की एक विधा, ये जो पाठ है इसकी विधा जो है जीवनी है और ये विभाग की तरफ से लगाई गई। तो हम थोड़ा जीवनी के बारे में जानते हैं, जीवनी क्या होती है। जीवनी देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है, पता चलता है कि ये जीवन के बारे में बताएगी। तो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके जीवन की सारी घटनाओं के बारे में, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है वो कहलाती है जीवनी। किसी महापुरुष का जीवन वृत्त होता है या किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जो भी घटनाएं होती हैं, और ख़ासकर उसमें जो है उस जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उस व्यक्ति से जुड़े हुए और उसके जीवन की प्रमुख जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो, और उसमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, जीवनी में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा आदि सब बिंदुओं पर बहुत ध्यान मतलब इससे बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये होती है गद्य की एक विधा है जीवनी, ठीक है। आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी, हम सभी ने पढ़ी है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की ये पंक्तियाँ याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई जो कविता है उसके उसकी कुछ लाइनें दी हुई हैं जिसमें वीर कुंवर सिंह का नाम आया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम सॉरी अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। देखिए आया है अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम है, ये वही वीर कुंवर सिंह है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। जब 1857 का 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसको विद्रोह हुआ, तो सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र सहित, सशस्त्र माने शस्त्र सहित हथियारों के जरिए जो विद्रोह हुआ उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, ठीक है, उसकी जड़ों को हिला दिया। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, एक शब्द आया देखिए यहाँ पर व्यापक, तो व्यापक का मतलब होता है बड़ा, इसको हम विस्तृत भी बोलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब भारत ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीयों भारत के खिलाफ जो दमन नीति, दमन का मतलब क्या होता है, दमन का मतलब होता है नष्ट करना या कुचलना, नष्ट करना, ठीक है, कष्टपूर्वक, ठीक है, मतलब उनको परेशान करके, कष्ट देकर के, तो पीड़ा देकर के, वो है दमन। तो इसके खिलाफ जो है पूरे भारत में जो है एक माहौल बन गया और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को विद्रोह करने के कारण जो है मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। ठीक है, बगावत एक शब्द आया, बगावत का मतलब होता है विद्रोह। अपने देश के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए, ठीक है, मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उस जमाने में जो है कारतूस आते थे, उस कारतूस में गाय की चर्बी नहीं रहती थी, और वो जाने से ब्राह्मण थे, ठीक है, गाय की पूजा करते थे, उस कारतूस को पहले छीलना पड़ता था, छीलने के बाद उस बारूद को भरना पड़ता था बंदूक में, फिर उसके बाद जो है मतलब गोली चलानी पड़ती थी, तो छील मुँह से छीलना पड़ता था, उसमें गाय की चर्बी होती थी, तो उससे उनको बहुत बुरा लगा, तो उसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। बाद में उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब इसके बाद 10 मई 1857 क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों का मतलब विद्रोह का मतलब उनका कहना नहीं माना और दिल्ली की तरफ कूच गए, सारे सैनिक दिल्ली की तरफ चले आए। ठीक है, कूच करना, कूच करना माने होता है प्रस्थान। ठीक है, दिल्ली की ओर कूच कर गए। 11 मई को उन्होंने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग के वहां दूर दूर तक फैल गया। अब इन्होंने क्या किया, 11 मई को, ठीक उसके एक दिन बाद, दिल्ली में जो तैनात सैनिक तैनात थे, ठीक है, वहां जो सैनिक मौजूद थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और जो आखिरी मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का शासक घोषित कर दिया कि यही हमारा शासक हो। और फिर ये जो विद्रोह की आग दूर दूर तक गांव गांव में फैल गई, ठीक है, हर जगह विद्रोह शुरू हो गए, जैसे लोगों को पता चला, हर व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह था ये, अहिंसात्मक विद्रोह नहीं था ये, अगर सफल होता तो हमारा देश 1857 को ही आजाद हो जाता। कई महीनों तक उत्तरी भारत, उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो जिन लोगों ने विद्रोह किया था उत्तरी भारत और मध्य भारत के बहुत बड़े भाग पर, विस्तृत माने बहुत बड़े भाग पर, ठीक है, इन विद्रोह जो विद्रोही लोग थे इनका कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आगरा। दिल्ली के अलावा भीषण का मतलब होता है भयानक। भीषण का मतलब होता है भयानक। तो दिल्ली के अलावा जहां भीषण युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ इन विद्रोहियों, ठीक है ना, जिन लोगों ने विद्रोह किया था, इनका जो युद्ध हुआ भयानक भीषण युद्ध हुआ, ठीक है, वो जगह कौन कौन से थे, कानपुर थे, लखनऊ था, ठीक है, आरा था, आरा जो है पड़ता है आपका बिहार में, बरेली उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड, ठीक है, यहाँ बहुत भयानक विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में अब जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ उनमें उनके मुख्य नेता कौन थे, जो इन सेना का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कौन लोग थे, वो नाना साहब थे उसमें, तात्या टोपे थे, बख्त खान थे, अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, यही कुंवर सिंह उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला साहब थे, और बहादुर खान और राव तुलाराम थे, ये सारे वो नेता हैं जो इन सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में दृढ़ कदम था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सब लोग इकट्ठे हुए। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत या कठोर, का मतलब होता है मजबूत, कठोर, ठोस, सॉलिड होता है, ठीक। तो जो स्वतंत्रता संग्राम बाद में छिड़ा उसके लिए पहले से ही नींव बन चुकी थी 1857 की क्रांति से, ठीक है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का 1857 का आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के समय भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। आगे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हुई उसकी नींव तो इस आंदोलन से ही पड़ गई थी। भारत में जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसकी नींव तो 1857 की जो आंदोलन था उसी से पड़ चुकी थी। और केवल इसी बात की नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की बात नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव भी लोगों में बढ़ा, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म जाति को मानने वाले लोग रहते, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते, वो सब जो है देश की आज़ादी के लिए एकजुट हो गए, एक साथ हो गए। ऐसे देखिए कुछ पुरानी फिल्में भी बनी है, जैसे क्रांति एक फिल्म बनी, आप देखें उसमें कई धर्म जाति को मानने वाले लोग जो हैं एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। पुरानी ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे पुकार एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, आप देखें उसमें भी ऐसा ही है। और अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी उसका नाम था लगान,
लगान में भी आप देखेंगे कि लोग क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, उसमें कई जाति के लोग रहते हैं, आपस में उनमें थोड़ा वैर भाव भी होता है या जाति को लेकर कुछ नीचे जाति की बात होती है, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ लड़ने की बात आती है सब लोग एक हो जाते हैं, ठीक है, और एक होकर मिलजुल कर अंग्रेजों मतलब आज़ादी के लिए लोग लड़ते हैं। तो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। अब 1857 का जो आंदोलन हुआ था, जो 1857 का वीर कुंवर सिंह जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, उम्र में काफ़ी वृद्ध होने के बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग इस तरह के विद्रोह करते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं या युवा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वयोवृद्ध थे, ये वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उसके बाद भी इन्होंने बड़ी बहादुरी से, ठीक है, अंग्रेजों का सामना किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन, अब उनके बचपन के बारे में कुछ जानकारी है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है उनके बचपन के बारे में। कहा जाता है कि अब जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो लोगों को पता चली हैं उसी के बारे में, ठीक है, इनके जीवन को तैयार किया गया है। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में, ठीक है, जगदीशपुर में शाहबाद जिले के, बिहार में एक शाहबाद जिला है, वहाँ के जगदीशपुर जगह पे इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1782 में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। इनके जो पिता थे उनका नाम था साहबजादा सिंह और उनकी माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। अब उनके जो पिता थे तो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, लेकिन उस रियासत को पाने के लिए, उस जमींदारी रियासत को पाने को बहुत संघर्ष करना पड़ा, और पारिवारिक उलझन इतनी ज़्यादा थी उनके पिता के जीवन में कि इनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाए कुंवर सिंह का। जब वो जगदीशपुर पहुँच गए और वहाँ की रियासत जब इनको मिली तभी इन पर वो ध्यान दे पाए, तभी इनकी पढ़ाई लिखाई आगे की व्यवस्था हुई, ठीक है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। अब उनके जो पिता थे वो बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बहुत ही उदार लिबरल थे, ठीक है, तो इसका प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा। सीधी सी बात है, हम देखते हैं कि हमारे जो घर में हमारे जो पिता होते हैं, पिता हर बच्चों का आइडल होता है, आदर्श होता है, और पिता के गुण हमेशा बच्चे अपनाते हैं। कई बार बच्चे नहीं चाहें तब भी, कई बार बड़े होने पर हम चाहते हैं कि हम अपने पापा जैसा नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं जानते, वो अचानक वो अनायास ही वो चीज़ें हमारे जीवन में शामिल हो जाती हैं और बाद में हमें चलता है कि हम अपने पिता के जैसे ही करते हैं, ठीक है। तो पिता से जो चीज़ मिलती है हमें, ठीक है, वो जीवन पर हमारे साथ रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी होती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे दादा भी ऐसा किया करते थे, ऐसा कभी कभी बोलते हैं लोग, तो इसका मतलब वो चीज़ें लगातार चलती हैं, हम अपने माता पिता के जो गुण हैं उनको जरूर धारण करते हैं, और अगर ना करना चाहें तब भी वो हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो भी अपने पिता के समान ही थे। कुंवर सिंह की शिक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा जो उनके घर पर ही उनकी व्यवस्था हुई, उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने लगता था। सभी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जहाँ उनका मन ज़्यादा लगता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई दूसरा काम हो। तो मतलब ऐसे ही जो कुंवर सिंह थे इनका मन जो है तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती में ज़्यादा लगता था पढ़ाई के अलावा। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता के मृत्यु के बाद सन 1827 में 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब 1827 में पिता की मृत्यु के बाद जो है कुंवर सिंह ने अपनी रियासत को संभाला, जो जमींदारी रियासत थी उनकी जगदीशपुर की, उसको संभाला, और इस समय पर अंग्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा जुलूम कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे भारतीयों, बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे थे, और लोगों में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष था। वो कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना थी कि मौका मिल जाए तो इन सबको समाप्त करके हम खुद आज़ाद हो जाए, ये भावना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा थी। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल था, राजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे, भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब कृषि उद्योग और व्यापार इन सबका बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सबसे जो बुरी मतलब क्या कहते हैं बुरा जो काम किया, ठीक है, सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई जो है वो कृषि पर, उद्योग पर और व्यापार पर, उन्होंने भारत के कृषि उद्योग और व्यापार को नष्ट करने का काम किया। मुगल, देखिए भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी लोग आए, मुगल आए, ठीक है, उसके पहले तुर्की आए, अफगानी आए, बहुत सारे लोग आए, मुगलों ने यहाँ राज भी किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको कभी तोड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वह शासक के तौर पर थे,
लेकिन अंग्रेज जो थे वो भारत को अपना बेस समझते थे, वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उससे इंग्लैंड में ठीक है वहाँ चीज़ें बनवाते थे, फिर उसको ला के भारत में ही पटक देते थे कि यहाँ के लोग वहाँ की बनी हुई चीज़ों को खरीदें, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा थी, इनको यहाँ बहुत बड़ा बाजार मिलता था। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किया। जो मुगल थे या जो मुस्लिम शासक थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने केवल यहाँ जो भारत के रहने वाले उनकी धार्मिक आस्था पर जो पहुंचे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने मंदिरों को तो नहीं तोड़ा लेकिन उन्होंने हमें आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको इन्होंने ठीक है दाने दाने के लिए मुहताज किया अंग्रेजों ने, ये हद कर दी हमारे कृषि को, हमारे उद्योग धंधों को, जो हमारे शिल्प था उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस सबसे क्या है, लोगों में एक बहुत ज़्यादा संतोष का माहौल जो है लोगों में व्याप्त हो गया था, और जो रजवाड़े थे मतलब राजाओं के दरबार लगते थे उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। पहले क्या होता था, गांव में अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो जाती तो वो जाता था राजा के पास, अपनी समस्या को बताता था और राजा उसका न्याय करता था। इन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने कोर्ट की व्यवस्था शुरू कर दी, न्यायालय की व्यवस्था शुरू कर दी इन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने। और उसके साथ साथ क्या था कि जो ऊंची नौकरियां थी, ठीक है, जैसे न्यायाधीश बनना है या जैसे कलेक्टर बनना है, ये सब बड़ी बड़ी नौकरियां जो थी, ठीक है, या जो आपके गवर्नर जनरल बनना है, तो उसमें सिर्फ अंग्रेज ही बन सकता, उसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं बन सकता था। इससे लोगों में और ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ, ठीक है, हम तो मतलब ये उनको भारतीयों को निकृष्ट समझने लगे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो जब ये स्थिति सब बन रही थी तब कुंवर सिंह ने ब्रिटिश जो हुकूमत है उससे लोहा लेने का मतलब ठीक है उसके साथ भिड़ने का, उसके साथ लड़ने का संकल्प लिया कि अब मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। और ये समय कब था, 1857 की क्रांति के योद्धा हैं जो कुंवर सिंह हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे, उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। अब जगदीशपुर के जंगल में बसुरिया बाबा नाम के सिद्ध संत थे, बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत थे, उन्होंने ही जो ठाकुर कुंवर सिंह हैं ठीक है इनमें स्वाभिमानी, इनको मैंने स्वाभिमान, देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को पैदा की। ठीक है कि देशभक्त व्यक्ति के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर राष्ट्रप्रेम होना चाहिए। ये बसुरिया जो बाबा थे इन्होंने ही, और स्वाधीनता माने स्वतंत्रता की बात कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत सारे मूल्य होते हैं लेकिन स्वतंत्रता जो है सर्वोपरि है, सबसे बड़ा मूल्य है। किसी व्यक्ति को सारी सुविधाएं दी जाए लेकिन उसको स्वतंत्रता से वंचित कर दिया तो व्यक्ति का जीवन जो है नरक हो जाता है, और व्यक्ति स्वतंत्र उससे भले कुछ न मिले वो अपनी स्वतंत्रता में रहे, ठीक है, तो स्वतंत्रता बहुत बड़ा मूल्य है। तो इस चीज़ की शिक्षा उनको बसुरिया बाबा ने दी, और उसके बाद उन्होंने बनारस, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर गए और वहाँ जाकर गुप्त योजनाएँ बनाई उन्होंने कि अंग्रेजों से कैसे लोहा लिया जाए। 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। 1845 और 1846 1857 में तो क्रांति हुई है, तो वहाँ ये जगह जगह जाते थे और गुप्त तरीके से जाते थे और युद्ध करने की योजनाएं बनाते थे, लोग को इकट्ठा करते थे कि हम एक निश्चित समय पर इनके खिलाफ युद्ध करेंगे एक निश्चित जगह पर, ठीक है। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसे इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब बिहार में एक प्रसिद्ध सोनपुर का मेला है जहाँ पर ये जाते थे, और चूंकि मेले में बहुत भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि अंग्रेजों को ही पता रहता था, अंग्रेजों को ही मालूम रहता था कि कुछ मतलब हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जाए तो पूरी पैनी नजर रखते थे। लेकिन मेले में क्या होता है, बहुत भीड़ लगती थी और एशिया का सबसे बड़ा मेला था, पशु मेला था, वहाँ हाथियों का क्रय विक्रय किया जाता था। तो वहाँ ये लोगों के साथ मिलकर के ठीक है युद्ध की योजना बनाते थे, कौन, वीर कुंवर सिंह जी। इसी ऐतिहासिक मेले में स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो वहाँ जाते थे, गुप्त बैठके किया करते थे और फिर आगे कैसे युद्ध किया जाए सब योजना बनाया करते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, अब हमला करना है, कब हमला करना है, कैसे शस्त्रों को इकट्ठा किया जाएगा, हथियार कैसे इकट्ठे किए जाएंगे आदि, ये सब वो उसी तरह के जो मेले हुआ करते थे वहाँ जाकर योजना बनाते थे। तो अभी इस पार्ट में बस इतना ही बच्चों, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।